कम्युनिटी के माध्यम से आज हम लोग गुड़गांव के एडिशनल लेबर कमिश्नर ऑफिस आए हैं। यहाँ पे कुछ मजदूर ऐसे आए हैं जिनको दो साल पहले निकाल दिया गया था। आप अपने कंपनी के बारे में और अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं RGP गोल्ड से यूनियन लीडर हूँ, यूनियन प्रधान हूँ। और दो साल हो गए हमारी कंपनी को बिना नोटिस दिए कंपनी को बंद कर दिया गया और अब दूसरे नाम चेंज करके और कंपनी को चला रहे हैं। क्या ऐसा होता रहा है कि हर बार चेंज किया जाता रहा है? जी सर, हर तीन साल बाद चेंज करते हैं। क्या पहले मेरे 8 साल हो गए इसमें, और शुरू में लगे हम 5-7 बंदे थे इसमें। उसके बाद कंपनी चलती रही, हमने दिन रात मेहनत किया खूब, और उसके बाद क्या कंपनी का जब हमने बोला नहीं तो आज तक मेरा PF कटा है, नहीं SI कटा आज तक, 8 साल इसमें छोड़ी थी मेरी, ठीक है। और हर 3-4 साल के बाद पहले RGP कूलिंग सिस्टम था इसका नाम, फिर RGP मोड कर दिया, उसके बाद क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद में फिर RGP को RFM ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड था। उन्होंने क्या करा, कंपनी का नाम करके सारे बंदों को बाहर फेंक दिया और कंपनी नए नाम से नई भर्ती करके ठेकेदारी में चला। अभी भी है 80 कर्मचारी, अभी पहले 150 थे उसमें, सारे बंदों को बाहर निकाल दिया और अब दोबारा से परमानेंट है उसमें, अभी एक भी परमानेंट नहीं है, ठेकेदारी में पूरा। पहले जब बंद हुई थी तो परमानेंट था, जब परमानेंट थे 80 तो परमानेंट थे, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थी। कंपनी के इतिहास के बारे में क्या? सर, इतिहास बहुत बुरा है, ये हर 4 साल बाद कंपनी नाम चेंज करके चलाती है और पुराने जो वर्कर होते हैं 4 साल के बाद उनको इससे हटा देते हैं, उनका 4 साल बाद मतलब ग्रेजुटी के चक्कर में कंपनी बंद कर देता है। कहीं हमने बंद कर दी, अच्छा ग्रेजुटी ना मिल पाए, 5 साल में ग्रेजुटी बनती, इसलिए ग्रेजुटी नहीं देते, न किसी का PF काटते, न SI काटते, न किसी को बोनस देना, न बिना नोटिस दिया कंपनी बंद। आप 2 साल से खाली? हाँ जी, नौकरी नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, मुकदमा चल रहा है? हाँ चल रहा है। आप भी 2 साल पहले आते थे और अभी कहीं सर लेबर की बात को प्रशासन को डिपार्ट को बता दिया है, 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं, कभी इधर उधर कोई भी सोल्यूशन नहीं, नोटिस दे रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेबर डिपार्टमेंट में आते तो ये कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, गवर्नमेंट ने ऊपर से आदेश दे दिया कि कहीं नहीं जाना है। अभी इन्होंने हमारे के चंडीगढ़ रेफर कर दिया है, अब वो चंडीगढ़ से यहाँ तक बुलाने के लिए ही कम से कम हमें 6 महीने हो गए, लेकिन वो चंडीगढ़ से वापसी रिटर्न नहीं आ रहे। राखी वाले दिन जिस दिन रक्षाबंधन था, माने 2 साल पहले राखी के दिन, यस, और 2 साल पहले राखी के दिन उन्होंने कंपनी को बंद किया और 11 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन देगी गेट के ऊपर बोर्ड लगा दिया गया, जबकि कंपनी को छुट्टी दी, छुट्टी वाले दिन हॉलीडे वाले दिन उन्होंने नोटिस लगाया, बोर्ड लगाया कि कल से कंपनी बंद है, कंपनी कल से नहीं चल सकती। अब कंपनी बंद हो गई, अब ऐसी मजदूरी हमें आती नहीं, अब इसके बाद वो जाती नहीं और हमारे घर बैंक वाले बहुत बच्चे बेरोजगार, बहुत बच्चों के स्कूल छूट गए हैं, अभी तो बहुत हो गई, 2 लोग तो हार्ट अटैक से एक्सपायर भी हो चुके हैं, 2 लोग तो हार्ट अटैक से एक्सपायर भी हो चुके हैं 2 साल। यस सर, जिनको निकाल दिया? यस सर, इसी सब में उनकी लड़की की शादी थी, अब 1 साल नौकरी चली गई तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया, उसे खत्म हो गया। क्या नाम है? अरुण कुमार। कितने साल वो? 8 साल से काम कर रहा है। बढ़िया, उसको 8 साल से काम करता, वो फाइबर की ढलाई करता था पहले, उसके बाद पैटर्न लेकर में ले लिया उसको, वो हर डेली इंजेक्शन लगवाता था वहीं पे और मालिक ने उसको कुछ नहीं दिया, बिल्कुल ऐसे निकाल दिया। फिर उसकी लड़की की शादी थी और बच्चे स्कूल से निकाल दिए उसके, और उसके बाद उसको एक्सपायर हो गया बीमारी। समझ में नहीं आता प्रशासन के पास जाए या श्रम विभाग के पास जाए या कहाँ जाए, बहुत परेशान होते हैं। मालिक ने एक कंपनी बंद करके 2 कंपनी और चला दी है। अच्छा, एक कंपनी बंद करके 2 कंपनी और चला, बंद करके एक तो वही चलाई, एक मानेश्वर में सेक्टर 6 में कंपनी बना दी है, वही प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट नाम चला, केवल घाटे में दिखा दिखा के बंद कर देते, मालिकों की रणनीति है ये, केवल घाटे में दिखाते हैं, आधा प्रोडक्ट मतलब जब नहीं जाती है ना, उसका आधा पैसा फ्लैट में लेते और आधा कैश में लेते हैं, इससे इनकम कम हो और घाटा दिखा दो। सर, श्रम विभाग को सारी जानकारी है इस चीज की, पल पल की जानकारी है इन लोगों को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेबर कोर्ट में चंद्रपाल है, उसको सब पता है, जाके पैसा लेके बैठ जाते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं करते। ये है RGP वर्कर यूनियन बिनोला गुड़गांव में, इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है 1987 में। ये यूनियन है ना? जी सर, लेकिन यूनियन का होने का कोई मतलब नहीं। सर, कोई मतलब नहीं है, आपको हमारा झंडा भी हटा दिया है वहां से, कंपनी का झंडा भी हटा दिया। अच्छा सर, मैं ATEC से अटैच है, हमारी AIPUC से ही हम जुड़े हुए हैं और 2 साल से अपने लगे हुए हैं कार्रवाई में कि कुछ हो लेकिन बट सब कुछ नहीं हो पा रही है।
एक ही जवाब देते हैं। हमारे टीयूसी कितने साथी हर बार जाते हैं, वो एक ही जवाब देते हैं कि भैया हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ नहीं। दोस्तों ये आरजीपी का ही एक मामला नहीं है, गुड़गांव में जितनी कंपनियां हैं वो सारे में लगभग यही कहानी दोहराई जाती है। कंपनी में छटनी होती है, तालाबंदी होती है, फिर दोबारा कंपनी शुरू होती है और उस कंपनी में फिर से एक नए सिरे से ठेकेदारी प्रथा में और कैजुअल वर्करों को रखकर के काम कराया जाता है और जो पुराने वर्कर हैं वो लेबर ऑफिस के भुक्के खाते रहते हैं।